नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ACMO डॉक्टर AB मिश्रा की तहरीर के अनुसार मंगलवार को केशवनगर निवासी महेश चंद्र मिश्रा की टाटमिल चौराहा स्थित कृष्णा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बिल का भुगतान न करने पर शव देने से इनकार कर दिया था। महेश चंद्र के बेटे विकास मिश्रा ने शिकायत की थी। ACMO ने पीड़ित को मृतक महेश चंद्र का शव दिलवाया। दूसरे दिन बुधवार को ACMO की जांच में पता चला कि महेश चंद्र का पूरा बिल करीब 4.85 लाख बना था। मृतक के तीमारदार ने 2.45 लाख रुपए जमा कराए गए थे। बाकी 2.40 लाख रुपए की पैथोलॉजी एक्सरे चार्ज, साधारण चार्ज समेत अन्य थे। ये पूरी तरह से अवैध थे। अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के तीमारदार से पूछताछ में पता चला कि फतेहपुर निवासी रमाकांत पांडे की पत्नी शारदा देवी संक्रमित होने के बाद 19 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती हैं। 8 लाख रुपए देने के बाद भी भर्ती किए हैं और ज्यादा रकम की मांग की जा रही है। ACMO ने रेल बाजार थाने में कृष्णा अस्पताल के व्यवस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रेल बाजार इंस्पेक्टर रवि श्रीवास्तव ने बताया कि मामला दर्ज कार्रवाई की जा रही है। SDM सिटी अतुल कुमार ने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल में ओवर बिलिंग को लेकर शिकायत प्राप्त हो रही थी। ACM प्रथम समेत अन्य ACM की टीम बनाकर जांच कराई गई है। मामला सही पाया गया है। FIR दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।